अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज तारीख है 4 जुलाई 2020 और दिन है हफ्ते का। बात करते हैं इस्लाम एयर की कुछ नई फ्लाइट्स के बारे में। इस्लाम एयर ने आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए डिफरेंट सिटीज़ में स्पेशल फ्लाइट्स जो हैं वो अनाउंस की हैं, और वो सारी रिटर्न फ्लाइट्स होंगी। लेकिन वहाँ से कौन लोग आएंगे जिनको ऑलरेडी परमिशन दे दी गई है, जिनकी यानी कन्फर्मेशन हो चुकी है, सिर्फ वही लोग उन जगहों से वापस आ सकेंगे। सो जो नई फ्लाइट्स ओमान से पाकिस्तान जाएंगी उनकी डिटेल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 6 जुलाई को पहली फ्लाइट जो है, परसों 6 जुलाई सोमवार के दिन पहली फ्लाइट कराची के लिए जाएगी, जबकि 7 जुलाई को जो है मस्कत से सियालकोट के लिए मस्कत टू सियालकोट एक फ्लाइट जाएगी। उसके बाद 8 जुलाई को जो है मस्कत से मुल्तान के लिए एक फ्लाइट जाएगी। उसके बाद है जी 9 जुलाई को मस्कत से इस्लामाबाद के लिए एक फ्लाइट जाएगी, और 10 जुलाई को मस्कत से पिशावर के लिए फ्लाइट जाएगी। तो ये सारी जितनी भी फ्लाइट्स हैं ये सारी रिटर्न फ्लाइट्स होंगी, और जिस तरह मैंने पहले बताया कि सिर्फ लिमिटेड लोगों को वहाँ से आने की इजाज़त होगी, स्पेशली मेडिकल स्टाफ जो है उनको इजाज़त है, या वो बाकी दूसरे लोग बिजनेसमैन इवन के वर्कर्स जो हैं एम्प्लॉय जो हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन जिनको परमिशन मिल गई है। तो जितने भी लोग वहाँ से पाकिस्तान से ओमान में आना चाहते हैं वो पाकिस्तान सोशल क्लब से रब्ता करें या पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता करें, और पीआई के ओमान में जो ऑफिस है वहाँ से रब्ता किया जा सकता है। दे विल इन्फॉर्म यू। तो जितना भी प्रोसीजर है, जो भी रिक्वायरमेंट है, आप उनके साथ डील करेंगे या नॉट डील तय करेंगे, तब जो है आपका चांस होगा कि आप आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, इट विल क्लियर देन। तो पिशावर के लिए जो है वो पहली दफ़ा फ्लाइट अनाउंस की गई है, स्पेशल फ्लाइट है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, स्पेशली पिशावर इस्लामाबाद दो जीरोज ऑल्सो। तो इस्लामाबाद की नॉर्मल फ्लाइट पिशावर के लिए नहीं है, इस्लामाबाद के लिए नहीं जाती, आपको पता होगा। तो अभी जो अनाउंस की गई है एक पिशावर के लिए स्पेशल फ्लाइट और एक इस्लामाबाद के लिए। हम दुआ करते हैं कि फ्यूचर में जो है परमानेंटली पिशावर इस्लामाबाद के लिए भी फ्लाइट अनाउंस की जाएँ, यानी स्केड्यूल हो। तो इंशाल्लाह खैर, जितने भी दोस्त अहबाब ओमान से अब पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान सोशल क्लब से रब्ता कर सकते हैं, पीआईए के ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि पीआई ऑफिस जो है सारी अब जिम्मेदारियाँ उनकी हैं, पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो नहीं कर रही, उन्होंने सारी जिम्मेदारी जो है पीआई को दे दी है। तो वो आपको जितनी भी आपकी जो यानी जो जितने भी लोग जाना चाहते हैं वो पीआई ऑफिस जो है मस्कत में उनसे रब्ता करें। और टिकट के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, टिकट जो है भाईजान किसी भी ट्रैवल एजेंट से, आपको पता है ट्रैवल एजेंसीज ट्रैवल एजेंट्स ओपन हो चुके हैं, तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं, लेकिन प्राइजेस को मद्देनजर रखते हुए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो डाल दी है, इंशाल्लाह कल पब्लिश होगी। प्राइजेस जो हैं एक्सपेक्टेड है कि जब एयरपोर्ट नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो प्राइजेस टिकट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। खैर अभी फ़िलहाल वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है। आप सब लोगों को पता ही होगा, इवन कि अभी भी जो लोग सिंगल वन वे टिकट ले रहे हैं वो 100 रियाल से ज़्यादा की है, नॉर्मली काफ़ी कम होती है। बहरहाल यानी अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, मुश्किलात को दूर करे, और जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं उनको बाहफाजत उनके घरों तक, उनके ममालिक, उनके मुकाम तक पहुँचाए। इंशाल्लाह खैर दुआ में याद रखेगा, जो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो नीड योर सपोर्ट। इंशाल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप सबको हामी और नासिर हो, हम सबको अपनी ज़िमान में रखे। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।